सो डे थ्री एंड आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग, यार अच्छे से गुलमर्ग जाना भी, और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। 10 मिनट में कैब आ रही है, गुलमर्ग के लिए निकलेंगे। यहाँ पर एक बफे वगैरह लगता था, आज बने हैं आलू के पराठे, दही मक्खन, बटर टोस्ट और नॉनवेज के लिए कुछ और। सबसे अच्छी बात क्या है, मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता। अच्छी बात मतलब इनके लिए तो दुविधा ही होगी, क्योंकि मेरे लिए इनको अलग बनाना पड़ता था डेली, कभी शाही पनीर, कभी इन्होंने मटर पनीर बनाया, आलू के पराठा, मतलब इतने कोऑपरेटिव स्टाफ है। तो मैगी घर से लेकर आया था कि अगर कुछ ना मिला मैगी खा लूँगा, बट बहुत ज़बरदस्त। सो इट्स टाइम फॉर चेकआउट, होटल रॉयल मिलाद, अमेजिंग सर्विस, देख रहे हो सब, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। ये थे हमारे रिसेप्शन गाय, सर का नाम क्या है? आतिर सर। आतिर सर, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? कश्मीर आइए सर, सेवा के लिए हाजिर है हमारे होटल में। थैंक यू। ये हमारे भैया ने इतना कॉपरेट किया सर, आपका नाम क्या है? फैसल। फैसल जी, इतना अच्छे से कॉपरेट किया, कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? सर बुलाइए सर, वेलकम कीजिए सर। मुझे तो अभी मुझे ख़राब हो जाएगा, अभी बंद कीजिए, नए से बनाओ, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, ओके, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। ऐसे ही चलिए। तो नासिर सर हमारे साथ डे थ्री में, हम रेडी हैं गाड़ी के साथ अपनी एकदम चमकती हुई, तो अब चल रहे हैं हम गुलमर्ग, राइट? उससे पहले इनको बाय करते सर, सारे सारे स्टाफ को बाय। कुछ कश्मीरी में बोलो ना, खुदा निकलो है दफा, निकलो ओके बाय बाय। उसका मतलब है कि अल्लाह के हवाले जाओ, अल्लाह के हवाले जाओ, खुदा है सवाल। ठीक है ओके भाई, ठीक है। हेलो सर। हेलो एवरीबॉडी। सो क्या रिपोर्ट है? तो हम जा रहे हैं, हमने श्रीनगर को छोड़ दिया। हाँ। अभी आपको फीलिंग हो रही है सर यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो ऐसा लग रहा है कि भैनी खुद रहा है, करनाल पे पहुंच गए, पर ऐसा नहीं है। जब हम टंगमर्ग पहुंचेंगे यहाँ से भी 30 किलोमीटर, उसके बाद आपको हिल हिल दिखाएंगे। ओके, जब हम स्टॉप करेंगे वहाँ पर तो आपको हिल भी दिखाएंगे। और नेल पेंट लग गया आपका? पता है कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए टनमर्ग। टनमर्ग यार, टनमर्ग 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 आ गया। टनमर्ग इज बेसिकली गुलमर्ग से पहले का या एक स्टॉप है जो बिगनिंग पॉइंट है गुलमर्ग के लिए, तो यहाँ पर आना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात, आज जो हमें मिले हैं हमारे पिछले दोस्त, याद है श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे पिछड़ गए थे डे वन में, यहाँ पर मिल गए हमें अचानक से, नहीं मिले। अच्छा। वेल प्लान्ड था, ही इज डूइंग ओवर एक्टिंग। अच्छा सॉरी। ओ उत्कपूत, हां हम आ गए। हेलो, कौन है ये? हम सागर। ये भाई कार्तिक, हरी बहन जी, जब मिलेंगे ना बनिहाल में, बिहार हालत में। अब तो रिपेयर हो गया, रिपेयर हो गए। अब टनमर्ग आए हैं, टनमर्ग और गुलमर्ग चल रहे हैं। अब टनमर्ग जा रहे हैं, टनमर्ग गुलमर्ग जाएंगे और मजा करते हैं। आज आगे गुल हो जाएंगे वादियों में, बहुत मजा आएगा। ये आपको कुछ बेमतलब की इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, खेलों के लिए केले बल्क में ले लो तो हमसे कॉन्टेक्ट करना, 30 रुपए किलो केले दिलाएंगे कोटा से। ये भाई है कोटा राजस्थान से, 30 रुपए किलो केले बल्क में लेते, मतलब और ऑफ सीजन में तो 25 रुपए तक मिल जाते हैं। हमारे वहाँ 60 रुपए दर्जन मिलते हैं। तो हम यहाँ गुलमर्ग की वादियों में, कश्मीर की वादियों में आके केले के रेट के ऊपर बात हो रही है। कितनी बड़ी पैसे, 90 रुपए किलो केले, 30 रुपए किलो, 25 रुपए। चलो बेटा चलो घर चलो। Hello.
सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। अरे आप चल रहे हो कटरा? कटरा कटरा तो तुम जा रहे हो। अभी हम हैं गुलमर्ग में। हूहू वादियां, ओए ओए हर जगह वादियां। अभी हम पहुंचे हैं गुलमर्ग। पहुंचते ही पकड़ लिया हमको घोड़े वालों ने, बट हमने उनको मना कर दिया। अरे यार रास्ता ही नहीं, हम गलत रास्ते जा रहे हैं, कहाँ जाने पे। तो अभी तो हम पहुंचे थे गुलमर्ग और उधर जा रहे थे गंडोला की तरफ। एक्चुअली वो सब पूछ रहे थे घोड़े वाले और कैब वाले कि पांचों साइड सीन कराएंगे, ये कराएंगे, बट हमने सोचा कि अभी गंडोला चलते हैं। और यहाँ पर कैसे जाएंगे, घोड़े से? नहीं नहीं, हम बहुत गरीब हैं इसलिए हम सब पैदल जा रहे हैं। सब पैदल जाएंगे, डेढ़ किलोमीटर का है और हम पैदल जा रहे हैं। और ये सारे दुनिया में ब्लॉगर्स फैलते हुए, ब्लॉगर्स की पॉपुलेशन। ओ ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी पैदल गंडोला की तरफ। वहाँ जाके अब रिपोर्ट करते हैं या रास्ते में भी कुछ मिला तो ज़रूर। ठीक है, ओके भाई। तुमरा तंडोला हमरा मंडोला, चलो गंडोला। हम देख लेंगे फिर कि क्या है क्या नहीं है। गंडोला लाएगी तो हम तुम्हारे नीचे लटक जाएंगे। हंस लो सारे, हंस लो, हंस लो। मुझे लगता है कि हम व्लॉग बनाने आए हैं। वी आर एट द पॉइंट जहाँ से टिकट मिलती है गुलमर्ग। किसकी? गंडोला राइड की। Look at the queue, man. Oh my God. Oh my God. Look at this. नहीं जाना भाई, क्या हो गया? फिर से घोड़े पे बैठ गए, फिर से घोड़े पे बैठ गए। गंडोला लेंगे। गंडोला ही नहीं मिल रही है, 2 घंटे लग गए वहाँ पर, गंडोला नहीं मिली। फिर कहते अब क्या करें, फिर वो कहते शोर मचा दो। देखो पप्पू बैठ गए फिर से घोड़े पे, मजबूरी। तो वो बोलते हैं कि गंडोला की राइड अगर लेनी है तो भाई सुबह सुबह आओ 9:30 बजे। हम आराम से 10 बजे तो श्रीनगर से निकले थे भाई, क्या ही गंडोला मिलनी थी। गंडोला हमारी गई मिस, जो हमारे साथ थे कोटा वाले। कोई ब्लैक में दे रहा था अपने को वहाँ पर, तो 3 सीट्स थी उनके पास, तो 3 तो उनको दिलवा दी। वो 3 लोग थे कोटा से। हम दोनों फिर से घोड़े पे आ गए। हमने सोचा नाइट से कर रहे हैं तो भाई अगले दिन सुबह कर लेंगे गंडोला। तो फिलहाल लोकल साइट सीइंग चल रही है और हम फिर से घोड़ा पे हैं। यहाँ पर अराउंड 4 फीट 5 फीट की बर्फ होती है और कुछ भी, ये घोड़ा भी नहीं चलता। और ऊपर अगर आप सेकंड फेज में जाएं गुलमर्ग के, तो आपको वहाँ 12-12 फीट 10-10 फीट की बर्फ मिलती है, तो दैट इज़ समथिंग बहुत ज़्यादा। तो सुंदर है, चल रहे हैं अभी कहीं कोई, कहाँ जा रहे हैं हम? ओके, चन लेक पार्क, स्ट्रॉबर वैली, फिशर लेक, ओके, टॉप कॉर्स, महाराजा पैलेस, ओके। तो यहाँ सब जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ जाके अपडेट करते हैं। बाकी फिर से घोड़ा भाई, इस बार घोड़े का नाम क्या है? राजा और मिट्टू, राजू ये वाला, मिट्टू ये वाला। ये ऊपर वाली पंजाब की कुड़ी, गोल्डन बैग दिखाओ बेटा। ठीक है चलते हैं भाई। क्या तो यहाँ पे स्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, और 1 महीने का कुछ 30,000 रुपीज़ कुछ बोला सर ने, तो 30,000 लगता है और ये 1 महीना आपको सिखाते हैं। और सिखाने के बाद फिर ऊपर पहाड़ियों पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर आपको स्केटिंग करवाते हैं। हुडी भैया ने हुडी डाली हुई थी, और यहाँ पर जैसे रोजी जहाँ बैठी है, यहाँ मैं बैठा था, यहाँ पर मेरे को चुभ रहा था इसका जो होता है ना ये वाला एरिया, तो भैया ने
अपनी स्वेटर उतारी और मुझे दे दी ताकि मुझे चुभे ना। ये खिदमत है, मतलब उनको वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ठंड ना सर्दी, हमें बस दुआ चाहिए आप और टूरिस्ट को भेजिए। और ये मतलब दिस इज़ द कल्चर ऑफ श्रीनगर ऑफ कश्मीर बेसिकली। हैट्स ऑफ, मतलब जबरदस्त। कुछ बोलो यार, मैं चाह रहा हूँ मैगी के बारे में। इसकी पतंजलि की मैगी है जो ये साथ साथ लेके घूम रहा है पूरे गुलमर्ग में। मैं इसकी मैगी संभाल रही हूँ जो हमने यहाँ की अब बनवाई है। 10 पैकेट अपने साथ लेके आए। पहाड़ों की मैगी हम मिस नहीं करेंगे ना। बाबा रामदेव की जय। तो 1.5 घंटा घूमने के बाद, थोड़े पे मैगी खाने के बाद साइट सीइंग पे पहुँचे हैं। पता कहाँ पे? जहाँ पे ऐतिहासिक गाना बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो की शूटिंग हुई है। ये तो गिर गिरे ये री भाई, ये घुमरो घुमरो घुम रहा। हेलो, हाँ बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो। हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया मजा ही आ गया। महाराजा पैलेस बाकी और क्या मिला? बेडरूम कितने थे? 3। क्या किए फिर? और था हॉल था। कितने पैसे लगे बेडरूम देखने के? 80 रुपए। फिर क्या करें आज पूरे दिन का? बुर बुर करके भाई हम फाइनली बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। और बहुत हाइट पे चल रहे हैं घोड़े। हाँ बहुत हाइट पे चल रहे हैं घोड़े। लुक एट द व्यू यार, अब मस्त है। गुलमर्ग वाली फील थोड़ी सी था ना। किस चीज का? तुम्हारे फंक्शन होंगे हमारे होंगे? अब आपके होंगे चूड़ियों का। आपको चूड़ियाँ कौन सी? चूड़े फंक्शन जानते आप? जानते हो चूड़े फंक्शन होता है जब जब लेडीज प्रेम भी जाती है 8 बजे। गोद भाई आओगे? भाई गोद भाई में भाई हम आओगे गोद भाई में। So they are living and तुम जा रहे हो कटरा, right? तुम कटरा जा रहे हो? कटरा जा रहे हो। और हम जा रहे हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग आप गुलमर्ग हम कटरा जा रहे हैं। और गंडोला करके आए भाई फर्स्ट फेज वाले। गंडोला का हाथ लगा लो। हम तो गंडोला होंगे भाई पुण्य का भाग जाना। गंडोला में कोई मतलब नहीं, जो जहाँ से दिख रहा है सेम गंडोला में दिखेगा। सेम गंडोला नीचे से होला ऊपर से होला। जब स्नो होगी हम तब जाएंगे। तब जाना। दिसंबर जनवरी में जाने का फायदा। और अभी हम यहाँ स्टे करेंगे और ये हम निकल रहे हैं कटरा के लिए। हमारे आज बोटल से निकला। चलो भाई अच्छा लगा तुमसे मिलके। ब्लॉग में मिलेंगे। हाँ ब्लॉग सेकंड ब्लॉग मिलेगा। जिंदगी का ब्लॉग आता है आप लोग। बाय बाय। आप वेलकम दे रहे हैं? मैं हम लोग अभी कल वेलकम कल वेलकम। ठीक है सर। बाय। ठीक है भैया। राधे 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 राधे। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। ऑल द बेस्ट भाई। गुलमर्ग मिले।
बाय बाय। श्योर भाई कभी ना कभी। हाँ कॉल करो अपने ड्राइवर को यार। चले गया यार, वो रोना नहीं आ रहा तुम्हें? रोना नहीं आ रहा। कुछ चीजें कुछ वक्त के लिए ही होती हैं जिंदगी में। ओह बस यहीं तक था सफर? हाँ yes. पता नहीं आगे कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे राइट। बहुत से लोग मिलते हैं और कुछ समय के लिए मिलते हैं चले जाते हैं, यही जिंदगी की कहानी है। ओह माय गॉड, ये ना हमारी आजकल वीडियोस ज्ञान वाली ज्यादा बन रही है ना। तो अब अपने को चेक इन करना है या हमें कुछ और प्लान है तुम्हारा? मजबूरी है चेक इन करना, रुकना पड़ेगा गुलमर्ग। 10,000 रुपए भरे हैं। और कल का गंडोला वो नहीं भरेगा तुम्हारा दिल डोला? नो, टुमारो वी आर लीविंग फॉर पहलगाम। नासिर भाई मिल गए हमें, वाह भाई वाह। खाली वेलकम टू कश्मीर। फाइनली समथिंग हैपनिंग राइट। लुक एट द व्यू, वाओ। आज हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए थे बिकॉज हमें गंडोला के लिए टिकट नहीं मिली थी, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स गंडोला राइड करके आए हैं उन्होंने हमें वापस आके बताया कि अभी स्नो नहीं है, तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमने ऐसा कुछ मतलब हमारा लॉस नहीं हुआ। हम जब नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हैवी स्नो होगा तो तब हम करें तो दैट वुड बी बेटर। तो हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे कि अभी हम गुलमर्ग में क्या करें। लोकल साइट सीइंग हमने थोड़ा सा कर लिया। अभी जब हमने अपने होटल में चेक इन किया है, खलील पैलेस नाम है होटल का, हम मॉर्निंग से आए हुए थे लेकिन हमने चेक इन अभी किया है, तो आई एम स्पीचलेस। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एम्बियंस इज वेरी गुड, मतलब अब मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ द आवर्स रात तक हम अच्छे से यहाँ पर स्पेंड करेंगे। बहुत अच्छा माहौल है, एकदम कल्चरल हेरिटेज काइंड ऑफ होटल इट इज़। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है। तो अभी हम सुबह जल्दी उठने वाले हैं, बाहर बहुत अच्छे से रिलैक्स करने वाले हैं, उस नेचर को रिलिश करने वाले हैं। और अभी तो हम कुछ आवर्स बाहर स्पेंड करेंगे और यू कैन सी द व्यू आउटसाइड द विंडो। हम लिटरली लास्ट 2 आवर्स यहाँ बैठे हैं एक एग्जैक्ट प्लेस पे, एक रिसेप्शन पे यार किसी होटल की। और क्यों बैठे हैं यार, वाइब्स ही अलग है। बाहर गए थे, अंदर आ गए, इतना सुंदर एम्बियंस अभी दिखाया था, जैसे टू मच। मैं फील ही नहीं करवा पाऊंगा जो एग्जैक्टली हम फील कर रहे हैं। म्यूजिक, फ्रेग्रेंस और एम्बियंस, लाइट्स, सब कुछ बहुत अच्छा है, जबरदस्त। अभी बस डिनर रेडी है हमारा, जैन फूड आज अवेलेबल है क्या? जहाँ पे इतना नॉनवेज बनता है वहाँ जैन फूड बनेगा। ये नॉर्मल खाना है, दाल चावल, साथ में थोड़ा सा पनीर भी था, खाया इन्होंने। जैन फूड तो देख लो भाई साहब, मिक्स वेज, दाल मखनी, पनीर, माय गॉड, सारा इतना सारा खाना, ओ माय गॉड। ऊपर से लाइव मैच चल रहा है यार, CSK, मज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कल का दिन बहुत अच्छा रहा, मतलब सेकंड हाफ वाज वेरी नाइस। मतलब क्या बताऊँ, कितनी मेहमान नवाजी बसी है, कितना सर्विस एटीट्यूड है कश्मीर वालों में, क्या ज़बरदस्त इन्होंने वेलकम किया और क्या क्या सुंदर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, कैसे अदास है, मतलब ज़बरदस्त। और फिर आके बस जब डिनर का वो विजुअल था, डिनर के बाद वी स्लेप्ट, मतलब थोड़ा हैंग आउट करने के बाद, फोटोज़ वगैरह डालने के बाद, और वी स्लेप्ट। एंड अभी सुबह उठे हैं और जा रहे हैं पहलगाम। गंडोला हम मिस कर रहे हैं क्योंकि सब कह रहे थे अभी वर्थ इट तो नहीं है, क्योंकि आज का दिन भी निकल जाएगा हमारा। एक्चुअली क्या है, गुलमर्ग एक साइड है, पहलगाम एक साइड है, श्रीनगर इज इन द मिडल। तो अभी हमें क्या करना है, पहले श्रीनगर जाना है, फिर गुलमर्ग जाना, पहलगाम जाना है।
तो काफ़ी लंबा हमारा है, डेढ़ दो फाइव आवर्स अराउंड जर्नी है हमारी, 4 to 5 hours। तो फिर इसलिए हम सोच रहे थे कि यहाँ से अब जल्दी निकलें। यहाँ से भी अगर गंडोला कर ली तो शाम के 4 बज जाएंगे, और 4 बज गए तो हमारा पूरा दिन पहलगाम वाला भी जाएगा। तो rather than wasting the time, we are heading towards पहलगाम today at early 8:30 AM after breakfast, and today is Ekadashi and I'm fasting for. तो मैंने इनको request किया थे आलू और दही बनाने के लिए, तो यार रेडी, मतलब जो भी कहो भाई, जान मांग लो जान दे देंगे। बहुत अच्छा रहा, चलते हैं पहलगाम में, मिलते हैं रास्ते में, मिलते हैं पहलगाम के day 5 में, ठीक है, थैंक यू।